नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग एक नए विषय के साथ वार्ता शुरू कर रहे हैं अपनी, और वो हमारा नया जो विषय है वह है ऑटो सजेशन। साथियों, एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत ही शानदार युक्ति हमको सुझाई कि जब हम अपने जीवन में नकारात्मकता से बचने के लिए सकारात्मक पहलुओं को धारण करने के लिए कोशिश करते हैं, और कोशिश करते करते कई बार ऐसा होता है उसमें हम असफल से हो जाते हैं। इस स्थिति में मुझे योग दर्शन की एक बहुत ही सुंदर सी अवधारणा याद आती है। वह अवधारणा ये है धारणा। जब आपने सुना होगा कि ध्यान, धारणा, समाधि आदि आदि शब्दों के बारे में, उसमें से एक छोटा शब्द है धारणा का। तो धारणा और ये ऑटो सजेशन कहीं ना कहीं बहुत पास और नज़दीकी वाली दोनों टर्म्स हैं। तो अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी कार्य विशेष को सिद्ध करना है। माना कि कोई प्रतियोगी छात्र अपने जीवन में किसी सेवा को पाने के लिए किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब उस तैयारी करने में दो प्रकार के उसको विचार मिलते हैं। एक विचार ये मिलता है कि किसी विषय विशेष में कमजोरी के कारण उसे लगता है कि हमें इस सफलता को पाने में कुछ संशय सा है। उस संशय से उसे दूर करने के लिए ऑटो सजेशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अब ऑटो सजेशन का मतलब ये है कि उसे ये याद दिलाना चाहिए कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा शब्द जब बोला जाए तो ऊर्जा का ऐसा समुच्चय है जो किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात एक इमोर्टल एनर्जी लेवल। तो जो आप इमोर्टल एनर्जी लेवल पर हैं, आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आपको इस चीज़ का स्मरण करना चाहिए, अर्थात मुझे ये धारणा सी ही बना लेनी चाहिए। और ऑटो सजेस्ट का मतलब हुआ कि जैसे ही आपके अंदर सेंस ऑफ वीकनेस दौड़े, जैसे कि मुझे अंग्रेजी में कमजोरी है या गणित विषय में कमजोरी है या अन्य किसी भी विषय के साथ आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये बताइए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। जैसे ही आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपका जो भी ऊर्जा का सर्कुलेशन है ये पुनः अपनी स्वाभाविक गति में आ जाएगा। तो ये ऑटो सजेशन का अपना मतलब हुआ, ये उसका यूज़ हुआ। तो आपका जीवन आपकी धारणाओं के आधार पर ही चलता है। जब आप अपने आप को बहुत कमज़ोर अनुभव करने लग जाते हैं तो आपके जो शरीर की जो ऊर्जा है, जो उसका सर्कुलेशन है, जो उसकी फंक्शनिंग है, निश्चित तौर पर ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में लाने के लिए आपको ऑटो सजेशन का यूज़ करना चाहिए। ऑटो सजेशन में यही है कि आप अपने आप को कंटिन्यू सजेस्ट करते रहें। किसी भी आपके जीवन का कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति प्रगति करना चाह रहे हैं, और उसमें निसंदेह कहीं ना कहीं आपको अपने कमज़ोर पक्ष भी नज़र आते होंगे, तो वे कमज़ोर पक्ष आपको पुनर्विचार करने के साथ साथ एक नए जोश और नए ढंग से काम करने का अवसर भी देते हैं। तो इन अवसरों पर खरा उतरने के लिए ऑटो सजेशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है, एक अच्छा टूल हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने मनस सिस्टम में ऑटो सेंस का खूब उपयोग करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ऑटो सेंस का अभिप्राय क्या है ये आप समझ गए हैं। ऑटो सेंस, ऑटो सजेशन का मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज़ को, जो खासकर मेंटल एक्ट हैं, उनसे निजात पाने के लिए, उनसे अलग होने के लिए, या यू कैन से कि हम किसी भी सेक्शन की जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए अपने आप को जो पॉजिटिविटी है उसके एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ऑटो सजेशन का यूज़ करें। और उसमें एक ही बात ध्यान करने लायक है कि आई कैन डू इट बिकॉज मेरे अंदर एक इमोर्टल एनर्जी रिसोर्स है, उसके आधार पर ये काम हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो पसंद जब आ जाता है तो लाइक और शेयर करना आपका धर्म बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।